राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिषंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको दिनांक 28/6/2024 दिन शुक्रवार का राशिफल। और प्रतिदिन की तरह आज में भी मैं मेष राशि से लेकर 12वीं राशि मीन राशि तक राशिफल बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आज मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। मैंने और वीडियो डाला है, उसमें कुछ शंकाएं हैं, चर्चा चल रही है कुछ बातों की, उसके विषय में डाला हुआ है कि स्त्रियां हवन कर सकती हैं या नहीं, और हवन के लिए सबसे शुद्ध लकड़ी किस चीज़ की होती है। ये दो वीडियो मैंने और डाला हुआ है पहले, तो आप उसे भी सर्च करके देखें और जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, जानते हैं दिनांक 28/6/2024 का राशिफल दिन शुक्रवार का। तो सबसे पहले दोस्तों, मेष राशि, मेष राशि के लिए क्या है आज। बच्चों के साथ आप सुकून पाएंगे, बच्चों की यह क्षमता कुदरती है, और न केवल आपके परिवार के बच्चों में बल्कि हर बच्चे में यह गुण होता है। वे आपको सुकून और राहत दे सकते हैं बिना विचार किए। आपको किसी को भी अपना पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले वक्त में परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपके नज़दीकी लोग निजी जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, आज जब आप अपनी सपनों की राजकुमारी से मिलेंगे, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है, और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हों। बिना किसी पूर्व सूचना के आज आपका कोई रिश्तेदार आपके घर में पधार सकता है, आ सकता है, जिसकी वजह से आपका कीमती समय खातिरदारी करने में जाया हो सकती है। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा। आज आपका भाग्यांक है 9, और उपाय है दोस्तों, ओम भ्रांग ब्रिंग भ्रौंग सह राहवे नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। उसके बाद दोस्तों, दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के लिए क्या है आज के दिन। अपनी सेहत के बारे में जरूरत से ज़्यादा चिंता न करें। निश्चिंतता बीमारी की सबसे बड़ी दवा है। आपका सही रवैया गलत रवैये को हराने में कामयाब रहेगा। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिए पुराने कर्ज आपको आज वापिस मिल सकता है, या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित आप कर सकते हैं। जो आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। नई परियोजनाओं और खर्चों को टाल दें। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। यह आपके पूरे वैवाहिक जीवन के सबसे ज्यादा महत्व स्नेहपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है। आज आपका भाग्यांक है 8, और उपाय है घर में सफेद सुगंधित पुष्प लगाकर उनकी देखभाल करने से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। दोस्तों, तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए क्या है आज के दिन। आज आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी खींच की वजह बन सकता है। करीबी रिश्तेदारों के घर जाना आज आपकी आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ सकता है। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय आपका आज बीतेगा। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, और आप अपने संगी को खुश रखने में कामयाब होंगे। सहकर्मी आपको काफ़ी सहयोग देंगे, और कार्य क्षेत्र में विश्वास की नींव पर नए रिश्तों की शुरुआत होगी। सफर के लिए दिन अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में सूखे सर्दीले दौर के बाद आपको धूप नसीब हो सकती है। आज आपका भाग्यांक है 6, और उपाय है एक मुखी रुद्राक्ष को सफेद धागे में धारण करने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। अब दोस्तों, चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए क्या है आज के दिन। बच्चे आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, जो आपके झुंझलाहट की वजह बन सकती है। आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि नाराजगी सभी के लिए नुकसानदेह है, और यह सोचने समझने की ताकत को भी खत्म कर देती है। इससे सिर्फ मुश्किल बढ़ती है। जो लोग लघु उद्योग करते हैं, उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी
की कोई सलाह मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। पारिवारिक मोर्चे पर समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। पारिवारिक जिम्मेदारियों की अनदेखी आपको सबकी नाराजगी की केंद्र बना सकता है। जाहिर तौर पर रोमांस के लिए पर्याप्त मौके हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम समय के लिए है। आज आपकी कड़ी मेहनत जो है कार्य क्षेत्र में जरूर रंग दिखाएगी। खाली वक्त में आप कोई फिल्म देख सकते हैं, या फिर यह फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि आपने अपना कीमती वक्त व्यर्थ जाया कर दिया। आपके वैवाहिक जीवन में शारीरिक सुख के नजरिए से कुछ खूबसूरत परिवर्तन आज हो सकता है। दोस्तों, आज आपका भाग्यांक है एक और उपाय है, घर में चितकबरा कुत्ता पालने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। दोस्तों, अब पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए क्या है, असहजता आपकी मानसिक शांति में बाधा बन सकती है, लेकिन कोई दोस्त आपकी परेशानियों के समाधान में काफी मददगार साबित होगा। तनाव से बचने के लिए मधुर संगीत का सहारा लें। रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। आपका बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। आपके बॉस किसी भी बहाने में दिलचस्पी नहीं जाहिर करेंगे, इसलिए निगाहों में बने रहने के लिए अपना काम अच्छी तरह से आज आप करें। आज आप अपने जीवन साथी को सरप्राइज दे सकते हैं। अपने सारे कामों को छोड़कर आज आप उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आज आप भावुक हो जाएंगे। आज आपका भाग्यांक है 8 और समस्या है घर व्यापार स्थल पर मंगल यंत्र स्थापित करके पूजा करने से नौकरी या बिजनेस में तरक्की होगी। दोस्तों, छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए क्या है आज के दिन, आप जल्द ही लंबे समय से चली आ रही बीमारी से उबकर पूरी तरह सेहतमंद हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज जल्द ही लंबे समय से चली आ रही बीमारी से उबरकर पूरी तरह आप सेहतमंद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे खुदगर्ज और गुस्सेल इंसान से बचें जो आपको तनाव दे सकता है और आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकता है। खास लोग ऐसे किसी भी योजना में रुपये लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें संभावना नजर आए और वही आए और विशेष हो। अगर आप परिवार के सदस्यों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आप घर पर समस्याओं की उम्मीद कर सकते हैं। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप डेट पर जा रहे हैं तो दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बाध्य न करें जो आप स्वयं न करना चाहें। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति मिल सके। आपको या आपके जीवन साथी को बिस्तर में चोट लग सकती है, इसलिए एक दूसरे का ख्याल रखें। आज आपका भाग्यांक है 7 और उपाय है हल्दी की एक गांठ, पीपल के 5 पत्ते, 1.25 किलो पीली दाल, केसर, सूर्यमुखी का एक फूल, पीले वस्त्र। यह सारी सामग्री किसी ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक दान करने से पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। अब दोस्तों, सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए क्या है आज के दिन, आज आप खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। आप पैसा बना सकते हैं बशर्ते आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। किसी से आंखें चार होने की भी संभावना है। कार्यालय में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज या खबर दे सकता है। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुशनसीबी लेकर आई है। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए क्या है आज के दिन, स्वयं को शांत बनाए रखें क्योंकि आज आपको ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
जिसके चलते आप काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं। खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि यह और कुछ नहीं बल्कि थोड़ी देर पागलपन है। सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही फलदायी होगा, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर लगाएं। घरेलू काम थका देने वाला होगा और इसलिए मानसिक तनाव की वजह भी बन सकता है। आप आज प्रेमपूर्ण मनोभाव में होंगे, इसलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा सा समय बिताने के लिए आप कोई योजना बनाएं। आप जी तोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। आज किसी सहकर्मी के साथ आप शाम का वक्त बिता सकते हैं, लेकिन हालांकि अंत में आपको महसूस होगा कि आपने उनके साथ समय बर्बाद किया है और कुछ नहीं। आपको महसूस होगा कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत खूबसूरत है। आज आपका भाग्यांक है 2 और उपाय है जौ, मूली व काली सरसों का दान किसी मांगने वाले को देने से हेल्थ अच्छी रहेगी। अब दोस्तों नवी राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए क्या है आज के दिन? माता पिता को अनदेखा करना आपके भविष्य की संभावनाओं को खत्म कर सकता है। अच्छा समय बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। इंसान के कर्म ध्वनि की तरंगों की तरह है, साथ मिलकर ये संगीत बनाते हैं और आपस में टकराकर खड़खड़ाहट होता है। हम जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप धन से जुड़ा कोई मामला कोई कोर्ट कचहरी में अटका हुआ है था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। दोस्तों सामाजिक उत्सवों में सहभागिता का मौका है जो आपको प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाएगा। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज़्यादा से ज़्यादा रूमानी हो। सहकर्मियों के और वरिष्ठों को मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा। आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है जो ऊंची जगहों पर हों। क्या आपको लगता है कि शादी महज समझौतों का नाम है? अगर हाँ तो आप आज हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। आज आपका भाग्यांक है दोस्तों 8 और उपाय है छात्रों को स्टेशनरी का सामान बांटने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों अब 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए क्या है आज के दिन? बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की आदत सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ रिश्ते नातों में नई जान डालने का सही समय है। प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे। आपके अंदर नेतृत्व का गुण और लोगों की जरूरतों को समझने की संवेदनशीलता है। अगर आप खुद को अभिव्यक्त करने पर जोर देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अपना समय और ऊर्जा दूसरों की मदद करने में लगाएं, लेकिन ऐसे मामलों में पड़ने से बचें जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तारीफ आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। आपका भाग्यांक है 8 आज का और उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका हेल्थ बेहतर रहेगा। दोस्तों अब 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए क्या है आज के दिन? आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आप खुद को नए रोमांचक हालत में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त भी मिल सकते हैं। आपका प्रिय आपको खुश रखने के लिए कुछ खास करेगा। जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे को खिसक जाएंगे। दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। यह दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है होगा। आपका भाग्यांक है आज का 6 और उपाय है किसी सपेरे को सांप को दूध पिलाने के लिए पैसा देना नौकरी व बिजनेस के लिए आपके लिए शुभ रहेगा। उसके बाद दोस्तों
अब 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लिए क्या है आज के दिन, कि आपका दानशीलता क्या व्यवहार आपके लिए छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपको शक, अनास्था, लालच और आसक्ति जैसे खराबियों से बचाएगा। आपने अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आपसे कोई सीख सकता है और इस हुनर को सीखकर अपना धन बचा सकते हैं। किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। नए प्रेम संबंधों से बचने की संभावना ठोस है, लेकिन व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारियों को उजागर करने से बचें। दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। आज टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देखने में आप व्यस्त रहेंगे। आप जरूरी कामों को करना भी भूल जाएंगे। पारिवारिक विवादों के कारण आज आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित रह सकता है। आज आपका भाग्यांक है 3 और उपाय है गाय को पालक खिलाने से लव लाइफ बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों, ये है आज का राशिफल और इसकी मैं उम्मीद करता हूँ इसकी जानकारी प्राप्त कर आप अवश्य लाभ उठाएंगे। राधे राधे दोस्तों।